शहर की जनसंख्या जहाँ लाखों में बड़ी है, वहीं पर मीरा भाईंदर की दफन भूमि हो या शमशान भूमि सिमट रही है। और इस सिमटती दफन भूमि शमशान भूमि का मुआयना आज विधायक प्रताप सरनाइक ने किया। क्या पाया नगर पालिका की, क्या है भूमिका सब स्टेशन को लेकर के, क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और शिवसेना के पदाधिकारी राममोहन शर्मा जी ने ये आवाज़ उठाया। ये आवाज़ उठाने से पहले बहुत सारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे कंप्लेंट की थी कि ये जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका का वैकुंठ धाम है, ये स्मशान भूमि है, इसमें हमारे हिंदू रिवाज के अनुसार बच्चों को दफनाया जाता है और किसी दूसरे समाज के लोगों को भी दफनाया जाता है। जो विधि और परंपरा होती है समाज के माध्यम से, वो पिछले कई सालों से यहाँ पे चलती आ रही है। महानगर पालिका का कोई तो भी एक कलाकार अधिकारी है, उसकी वजह से ये अदानी समूह को इलेक्ट्रिसिटी का सबस्टेशन निर्माण करने के लिए स्मशान भूमि के अंदर की जगह दे दी है। मुझे पता नहीं चला कि रास्ते पे इतने फेरी वाले इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे, बाढ़ हो रहे, अवैध निर्माण हो रहे, वहाँ की जगह किसी को दिखी नहीं, मगर स्मशान भूमि के अंदर जो दफनाया जाता है वो जगह अदानी को देने की बात अगर की है तो इसके ऊपर भी जाँच होनी चाहिए। ये तो CBI और उससे बड़े भी जाँच की एजेंसी अगर ये करेगी तो सच क्या है मालूम पड़ेगा लोगों को। मगर हमारे जो कार्यकर्ताओं ने मुझे कंप्लेंट की तो मैं आज यहाँ का दौरा लिया और हकीकत जान ली, तो हकीकत में मुझे बहुत ही बड़ा धक्का बैठा है कि ऐसी परिस्थिति में कौन दे सकता है दफन भूमि की और स्मशान भूमि की जगह। तो गलत है, मैं कमिश्नर से बात करके वो जो जगह अदानी के सबस्टेशन को दी थी वो कैंसिल करवाई है। मगर इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, अगर हम जगह नहीं देंगे तो यही बोलेंगे हम सबस्टेशन के लिए जगह नहीं देते, इसलिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी दे नहीं सकते, सप्लाई नहीं दे सकते। तो जो हमारी विद्युत वाहिनी है उसके बाजू में ओपन लैंड अभी भी बहुत सारी पड़ी है, तो वहाँ पे सबस्टेशन के लिए उनको जगह हमने देने का निर्णय ले लिया। और ये जो दफन भूमि है वो दफन भूमि कायम रहेगी, लोगों के हित के लिए ये जरूरी है, वो निर्णय आज हमने ले लिया। विधायक प्रताप सरनाइक को लाकर आप यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे थे सर? देखिए, ये दफन भूमि है छोटे से बच्चों का, और जो अविवाहित महिला है, जो कभी कभी पुजारी लोग रहते हैं जिनको, ऐसी महिलाओं को यहाँ पे दफन किया जाता है। लेकिन मीरा भाईंदर मनपा के बांधकाम विभाग द्वारा और मनपा आयुक्त द्वारा यहाँ पे अदानी को कियोस्क सबस्टेशन, जो कि मासाचा पाड़ा के सीसी रास्ते के रुंदीकरण में वो कियोस्क सबस्टेशन बाधित हो रहा है, वो कियोस्क सबस्टेशन को यहाँ लाने का अदानी के माध्यम से जो काम किया गया, हमें इस विकास काम को विरोध नहीं है, लेकिन स्मशान भूमि की छोटी सी जगह में ला कर करके और यदि उसको खोद करके काम करेंगे तो हमारा इसका विरोध है। हमने प्रताप सरनाइक साहब के माध्यम से उनसे गुजारिश किया और सरनाइक साहब ने माननीय आयुक्त साहब से गुजारिश किया है कि जो इलेक्ट्रिक सबदाहिनी है उसके बगल में जो जगह खाली है वहाँ पर कियोस्क सबस्टेशन बना करके लोगों को, मीरा भाईंदर के जनता को, काशीमीरा की जनता को उसकी सुविधा दी जाए। लेकिन दफन भूमि में यदि इस प्रकार का आप काम करेंगे तो हमारा कड़ा विरोध रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से आयुक्त साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो खोदा गया है इसको, मिट्टी जो बाहर निकला है इसको मिट्टी से वापस वहाँ पे जैसे था उस जगह में लेवल कर दें और यहाँ का जो कियोस्क सबस्टेशन का जो प्रस्ताव था उसे स्थगित करें। मेरे पीछे जो आप ये खड्डा देख सकते हैं, ये एक दफन भूमि है जहाँ पर बच्चों को और अविवाहित महिलाओं को दफनाया जाता था। और पीछे आप मेरे देख सकते, चिता जल रही है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर सबस्टेशन बनाने वाली थी, इसकी मंजूरी महानगर पालिका ने दी थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने काफ़ी विरोध किया है। आज विधायक प्रताप सरनाइक यहाँ पर आकर मुआयना करके गए हैं, मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से उन्होंने बात की है, साथ ही साथ शिवसेना के उप शहर प्रमुख रामभुवन शर्मा ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। आपको बता दें, शिवसेना के उप शहर प्रमुख रामभुवन शर्मा ने ही MLA प्रताप सरनाइक को यहाँ पर बुलाया था और MLA प्रताप सरनाइक ने इसकी मंजूरी रद्द करवा दी है। अब देखना ये है कि कितने दिन में ये दफन भूमि पहले की तरह बन जाती है, उसे लेवल कर दिया जाता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरी यानी एकता पोद्दार और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।